मैं मैडम सोनिया जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने आने वाले 2012 के गुजरात विधानसभा के इलेक्शंस कैंपेन कमेटी के हमको इंचार्ज की जिम्मेदारी दी है। मैं मोहन प्रकाश जी जो हमारे प्रभारी हैं गुजरात कांग्रेस के, उनका भी आभारी हूँ। और हमारे दो साथी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अर्जुन भाई और विपक्ष के नेता माननीय शक्तिश भाई, इनका भी मैं आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत प्रेम से इस जिम्मेदारी को पूरा समर्थन देने की सबके बीच बात की है। और आने वाले दिनों में एक टीम बनाकर हम 2012 में जो बीजेपी, जिसके ऊपर आप करप्शन के ढेर सारे एलिगेशन लगे हैं, तो प्रजा के अदालत के बीच जाकर हमारी बात हम रखेंगे। और कैंपेन की शुरुआत हम करेंगे कच्छ से, जो कच्छ करप्शन, गुजरात सरकार के शासन का करप्शन का हेडक्वार्टर बन गया है, जहाँ गौचर की जमीन हो या समुद्र का पानी हो या जमीन हो, सब बेच दी है गुजरात सरकार ने इंडस्ट्रियलिस्ट को। कई लोग इसमें मर गए हैं, खेडूत किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है वहाँ। 28 तारीख को सितंबर इस महीने की, और जो यहाँ गुजरात में नवरात्रि का प्रथम दिन है, इसमें माता का मठ माँ आशापुरी की जगह से हम प्रार्थना करके, हाजी पीर वहाँ बगल माँ है, इनके आगे जाकर माथा टेक कर, और भूज में कच्छ की जनता के बीच जो माता जी की शक्ति की आराधना करके, लोक शक्ति के, जन शक्ति के दर्शन करेंगे। और हमारी बात जो है वो प्रजा की अदालत के बीच रखेंगे कि ये करप्शन जो बीजेपी का चल रहा है, इसमें लोकायुक्त की नियुक्ति न हो, इसकी सबजुडिस मैटर होने के बावजूद भी दिल्ली में पार्लियामेंट में दोनों हाउस बंद रखवाने, प्रेसिडेंट के आगे गलत बातें रखने की, ये सब बातें, उस चोर जो होता है उसको छिपाने की ज़रूरत है। करप्शन में इतना एलिगेशन लगा है बीजेपी के ऊपर, सीएजी के रिपोर्ट जो है 26,500 करोड़ का, फिर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे। ये करप्शन से बीजेपी बच नहीं पाएगी, और इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, लोकायुक्त हो या सीएजी का रिपोर्ट हो, ये सब बातें हम लेकर आगे जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, यहाँ गुजरात गवर्नमेंट ने कई रिपोर्ट, तो पीएससी के रिपोर्ट भी टेबल नहीं किए हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर हमारे साथी रहे, कल के राजा हो, कनिम्योजी हो या कलमाड़ी हो, तो एक एक के रिपोर्ट में हम हमारी पीएससी कमेटी के चेयरमैन को भेजेंगे चीफ सीएजी के पास, और कहेंगे कि अगर रिपोर्ट होता है तो 26,500 करोड़ का एलिगेशन लगा है, इनको भी तिहाड़ जेल में, गुजरात सरकार के लिए भी कोई अच्छी काली कोठड़ी, इनके काले कर्म जो हुए हैं करप्शन के, इसके लिए आरक्षित रखे। तो तिहाड़ के लिए बीजेपी की जगह और भी अच्छी जगह वहाँ हो सकती है, इसके लिए हम जरूर चीफ सीएजी के पास जाकर ये बात हम रखेंगे कि इतने रिपोर्ट के बाद भी गुजरात गवर्नमेंट टेबल नहीं होने देती है, और आपको एक्ट नहीं करते हैं, बीजेपी ऑल इंडिया एक्ट नहीं करती है। जी, 28 सितंबर से जो हल्ला बोला जी, देखिए संभावना जरूर है कि बीजेपी बौखला गई है, करप्शन के एलिगेशन जिस हिसाब से इनको लग गए हैं, कोई और लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी, और आने वाले दिनों में प्रजा के बीच जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो भ्रष्ट पार्टी के लोग हैं, करप्ट पार्टी के लोग हैं, तो जल्दी चुनाव लाकर बचने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से हमने भी हमारा होमवर्क जो करना चाहिए वो होमवर्क हमने कर दिया है, और हो सकता है कि चुनाव 6 महीने जल्दी लाए, मई अंत या जून के पहले सप्ताह में।